आज हम सी गार्ड M5। हेलो गाइस, आप देख रहे हो वाइटम्स एंड बॉक्सिंग और मैं शिवम राजपूत आज आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। और आज हम जी कार्ड M5 बैंड की अनबॉक्सिंग करने वाले, और मेरे हाथ में आ चुका है हमारा जी कार्ड का M5 बैंड और इसका हम रिव्यू भी करने वाले थे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। चलिए मुद्दे पर आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे सामने बॉक्स आ चुका है हमारे जी कार्ड के M5 स्मार्ट बैंड का, और हमने इस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है और ये बॉक्स हमको ओपन ही मिला है। मतलब ये बॉक्स जो था वो खुला ही बॉक्स हमें देखने को मिला है। ज़्यादा कोई दिक्कत हमें हुई नहीं इस बॉक्स से दूसरे बॉक्स को बाहर निकालने का, जो कि हमारे जी कार्ड के M5 स्मार्ट बैंड का है, जो कि आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा होगा। तो ये बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक अलग कलर में ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस स्मार्ट बैंड की जो रीडिंग टाइप है वो आपको डिजिटल देखने को मिल जाती है, आइडियल फॉर यूनिसेक्स का है। और फंक्शन जो हैं काफ़ी सारे, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। और इंडिकेटर टाइप की अगर हम बात करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारे आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम आपके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेके आए, तो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम अपने स्मार्ट बैंड को इस बॉक्स को ओपन करते हैं और अपने स्मार्ट बैंड को बाहर निकालते हैं। तो इन द बॉक्स में हमको यहाँ पर एक स्मार्ट बैंड और उसके स्ट्रैप और उसका चार्जर देखने को मिल जाता है, और एक यूज़र मैनुअल भी आपको इस स्मार्ट बैंड में देखने को मिलता है। और ये जो मेरे हाथ में है ये इसका चार्जर, जिसके हमारा ये जो स्मार्ट बैंड है वो चार्ज होगा। और मेरे हाथ में आ चुका है हमारा स्मार्ट बैंड, और जहाँ तक ये स्मार्ट बैंड अभी चार्ज नहीं होगा, इसको अभी हम चार्ज करेंगे। अगर हम इसके चार्जिंग टाइम के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो चार्जिंग का टाइम है वो है 1.5 घंटे का इस स्मार्ट बैंड को चार्ज करने का। और जो इसकी बैटरी की लाइफ है वो आपको 72 आवर्स की देखने को मिल जाती है, और जो इसकी बैटरी है वो आपको लिथियम आयन की देखने को मिल जाती है। 180 mAh की बैटरी के साथ हमारा ये स्मार्ट बैंड आता है। और जो इसका स्ट्रैप है वो एक सिलिकॉन और प्लास्टिक के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो हमारा स्ट्रैप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मटेरियल का है। हमने यहाँ पर अपने जी कार्ड की स्मार्ट बैंड को चार्ज कर लिया, और इसको चार्ज करने में हमको यहाँ पर 2 घंटे लगे, जबकि यहाँ पर जो चार्जिंग टाइम मेंशन था इसके स्पेसिफिकेशन में वो यहाँ पर 1.5 घंटे का था, लेकिन हमको इसको चार्ज करने में 1.5 घंटे का समय लग गया। और इसमें हमको यहाँ पर BPM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड नंबर 3 पे हमको यहाँ पर मैसेज का, और यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ थोड़ा सा ये बंद हो गई है, और यहाँ पर आपको स्लीप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आपको इस स्मार्ट बैंड में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको म्यूज़िक कंट्रोल, SMS नोटिफिकेशन, अलार्म, और आपका जो स्टेप काउंट है वो भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आपका BP, कैमरा, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है तो आपको अपने फ़ोन में फिट प्रो नाम की एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके थ्रू से आप अपने स्मार्ट बैंड को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके रख सकते हो। और इस स्मार्ट बैंड में आपको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इससे में अपनी थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 थीम का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि हर स्मार्ट बैंड में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसमें ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जो इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो आपको 240 की देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले टाइप TFT LCD का है, और कनेक्टिविटी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 15 मीटर की कनेक्टिविटी रेंज है, और वाईफाई इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ब्लूटूथ आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और जो ब्लूटूथ का वर्ज़न है वो आपको 4.0 का देखने को मिलता है। इस स्मार्ट बैंड का जो वेट है वो आपको 40 ग्राम का देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसका रिव्यू करते हैं तो ये एक ही अच्छा प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है, और काफी कम प्राइस में आपको सही स्पेसिफिकेशन वाली ये स्मार्ट बैंड आपको देखने को मिलती है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे तो हम इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इसको बाय नाउ कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।